हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इवनिटी टेरा और सिक्स फॉर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऑफकोर्स क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडिक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ऑलराइट, सो यहाँ पे खास मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसा होता है ना कि फॉर, यस, इफ इट इज अ पीस ऑफ, यू कैन से दैट इफ इट इज अ बास्केट, और बास्केट के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं और एक एक करके आप उस बास्केट के अंदर, ठीक है, सामान जो है आप देख रहे हो, उसको निकाल रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो वो सदा कुछ ही समय के अंदर आपको, मे बी इफ़ योर जॉब इज़ इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री, या अगर आपके खुद के बिजनेस है, या अगर आपका वेबसाइट है, आप कुछ ऑर्डर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्लाइंट्स के ऑर्डर्स, जहाँ पे आपको उनका नाम पता जो है, एड्रेस जो है, वो लिखना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, और फिर आपको एक प्रॉपरली फॉर्मेट बनाने के बाद आपको उसको डिस्पैच भी करना पड़ेगा इफ़ यू आर इन दैट इंडस्ट्री। यहाँ पे मुझे इस तरह से पूरी तरह से दिख रहा है जैसे कोई देवता और देवी के, यहाँ पे मुझे मूर्ति दिखाई दे रही है और उसके सामने इस तरह से कुछ है। यहाँ पे देखो, आई कैन नॉट पॉइंट आउट लाइक दिस, बट दिस इज दिस, और आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप वहाँ से आशीर्वाद ले रहे हैं, या ये कोई ऐसा आर्किटेक्चर भी हो सकता है, स्कल्पचर भी हो सकता है, हो सकता है कोई जगह पे आप विजिट करें और वहाँ पे आपको बहुत सारे देव देवी के जो मूर्ति है वो आपको दिखे। यहाँ पे आई कैन फाइंड दैट देयर इज अगेन इंक पॉट। सो इंक पॉट, जब भी मुझे यहाँ पे देखो इंक पॉट दिखता है, सो मुझे हमेशा यही लगता है कि every person has a creative side, okay, in themselves. So basically क्या है ना, आपकी जिंदगी में in the future you will write more, you will communicate more through writing. हो सकता है कि आपको लिखने में अच्छा लगता है और आप express भी अच्छा कर सकते हैं, जो आप शब्द नहीं बोल पाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लिखने का, जो जैसे बहुत बोला जाता है, पेन ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्वॉर्ड, तलवार की तरह ही पेन है, तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ता है, पेन से अगर आप लिख देते हो तो वो काफ़ी होता है। इसलिए जो जब हम न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं वो तो है ही उसका असर, लेकिन जब हम प्रिंट मीडिया को देखते हैं लिखने का और असर है, ओके, बिकॉज अगर आपके, जैसे बोला जाता है ना, मुंह से एक शब्द निकल जाता है तो उसको आप वापस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्या है, लिखने में आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, राइट, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग, अगर आप का, मैंने यहाँ पे ये भी बताया, अगर आप एक स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के वजह से या आपके टैलेंट के वजह से आप उस मुकाम पर ज़रूर पहुँचने वाले हैं। अगर कोई ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जहाँ पे आपको ऑब्वियसली यू हैव टू राइट समथिंग एंड यू हैव टू प्रेजेंट एनी पेपर, रिसर्च पेपर, जर्नल, वट एवर, यू विल बी डूइंग एक्सेलेंट, ओके, इन दैट एंड मे बी इन ए प्रोजेक्ट, सो वहाँ पे आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, सम अगेन आई कैन सी अ कार, अ मैन इज ड्राइविंग दिस टाइम। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए मुझे दिख रहा है, हॉलीडेज में शायद कुछ लोग जाएंगे अपने फैमिलीज के साथ, या काम के सिलसिले पर आपको जाना पड़े। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है समथिंग हार्ट शेप फीचर्स, व्हाट आई कैन फाइंड। सो दिल के मामले नाजुक ही होते हैं, दिल के मामले को लेकर कुछ ऐसा आपको सामना करना पड़ सकता है, यानी यू हैव टू कन्फ्रंट, बट जब अगर वो सबके बेनिफिट के लिए है, मानवता के लिए है, तो आप ज़रूर उसको करें, ठीक है, वरना आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं अपना जो स्टैंड पॉइंट है। अगर आप देख रहे हैं कि बार बार आपको उस चीज़ को प्रमाण करना पड़ रहा है, सो बेटर इज़ टू लीव एंड सरेंडर टू गॉड, कि ठीक है मैंने कर लिया,
मेरा जो कहना था मैंने बता दिया, अभी भगवान की मर्जी, इट इज़ नाउ अप टू गॉड। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होने वाले हैं आपकी लाइफ में जो शायद आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और आपको लगेगा कि क्यों नहीं कर पाई मैं, क्यों नहीं कर पाई मैं, क्यों नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, वो आपके सर्वोत्तम जो बोला जाता है अच्छाई के लिए ही होगा। अगर किसी चीज़ का रिजल्ट नो भी आ रहा है तो दैट विल बी कमिंग ओके फॉर योर हाईएस्ट गुड। मे बी वो आपके लिए मज़ेदार हो सकता है, या आप ऐसा आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं वो तो सही था, वो तो अच्छा है, बट मे बी इट इज़ लाइक दैट दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द फाइनल रिजल्ट्स इन द लॉन्ग टर्म। ओके, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है, जैसे यहाँ पे मुझे कुछ फेसेस दिखाई दे रही है, टॉरस हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, आपको ऐसा लगता है जिद पे आ गए आप कि नहीं मुझे करना है कंप्लीशन। यहाँ पे मुझे दिस वन आई कैन सी द फेस ऑफ अ बेयर, तो काफ़ी प्रोटेक्टिव केयरिंग एटीट्यूड के आपको जो है ना उसका जो पॉजिटिव साइड है वो भी आप इंजॉय करेंगे। जैसे बोला जाता है ना कुछ लोग नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उसलिए उनको भुगतना पड़ता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो इस साइड भी है राइट, उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा इन द लॉन्ग रन। ओके, नाउ लेट मी चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। सो वी डू हैव द Lorelei 31, we do have the house of flowers, यहाँ पे है हमारे पास bloom, yes, we do have Miss Sunshine, जहाँ पे ये है the star card, यहाँ पे है Hierophant की energy, we do have my home is my castle, यहाँ पे है new directions, wow, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव नाइट राइड। मैंने आपको ये कहा था ना, वहाँ पे मुझे कुछ गाड़ी दिख रहा था और मैंने आपको ये कहा था कि शायद शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हॉलीडेज में आप जाने वाले हैं, तो यहाँ पे सवारी होने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के साथ इन द फ्यूचर में भी आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, ओके, और अपने मम्मी पापा के साथ भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, और बहुत सेफली आप ट्रैवल करेंगे। वहाँ पे हो सकता है कि कोई सेंचुरी हो, वहाँ पे हो सकता है कि आप जाएंगे, या वाइल्ड लाइफ ओके, हो सकता है उसके सामने आपने रिसॉर्ट लिया, वहाँ पे स्टे किया, और द फाइनेस्ट एंड एक्सक्विजिट हॉलीडेज आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। एंड जिस तरह से रात के समय पर अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो बहुत सुनहरा होता है वो चीज़, तो वो भी एंजॉय आप करने वाले हो। एंड कुछ लोगों के लिए मे बी यू स्टार्ट द जैसे बिजनेस फ्रॉम होम, फाइनेंशियल अबंडेंस आपका जो है वो भी उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी यू विल गेट ओके लाइक दिस अ ट्रांसफर और अ माइग्रेशन टू अ डिफरेंट लैंड, डिफरेंट प्रोजेक्ट आप हैंडल करने वाले हैं, तो आप देखेंगे प्रीवियस प्रोजेक्ट से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है, और कन्विंस करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप खिलेंगे तो ज़रूर, और आपके जो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था न्यू डायरेक्शंस, तो हो सकता है कि मैंने आपको ये कहा था कि पैकेजिंग, कुरियर, सम बिजनेस पार्सल्स, हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाए अपने घर बैठे बैठे, और आपको उसको दूर दूर तक पहुँचाना पड़े, ठीक है, बाय, आई डोंट थिंक सो बाय मेल, बट मे बी इट्स लाइक दैट। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है, एंड डेफिनेटली आई कैन फील दैट विद योर सीरियस एटीट्यूड, विद योर डिटरमाइंड ओके नेचर, यू विल बी एबल टू गेट द सक्सेस। आप इतना डिटरमाइंड हो गए हैं, ठीक है, तो आपको तो कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले चुके हैं ऑलरेडी। एंड आई कैन सी लाइक दैट, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
कुछ चीज़ों को आप अपने हाथ में ले सकते हैं और कुछ चीज़ जो आप हाथ में नहीं ले सकते, बिल्कुल। सो बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कंट्रोल्ड बाय गॉड, सो यहाँ पे भगवान की मर्जी है जो आपको मानना पड़ेगा अगर कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुए तो। बट एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, एज योर प्रोफेशनल लाइफ इज कंसर्न, एज योर पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो कंसर्न, आपके अपलिफ्टमेंट एंड यूनिक वे ऑफ यू कैन से दैट यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को एक नई तरह से, ठीक है, उस जिस तरह से एक जैसे न्यू वर्जन ऑफ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स कम, उनका वर्जन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, स्टैगनेंट नहीं रहता, उसी तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो एंड यू आर टचिंग द स्काई। सो आई डू थिंक सो दैट दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड